हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह स्मृति से संबंधित है। यह एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्मृति से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, डिफाइन इट, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी, अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, विवेचित कीजिए। इसके नियम एवं प्रविधियों से संबंधित भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी लॉज एंड डिवाइसेस जो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग परस्पेक्टिव, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्मृति के संबंध में चर्चा करें तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। डे टू डे की लाइफ में जो भी संस्कार या जो भी अनुभव अनुभूतियाँ हमारे अचेतन मस्तिष्क में संचित होते हैं, वे अनुभव मन के चेतना युक्त स्तर पर नहीं होते हैं। लेकिन जब यही अनुभव या कल्पनाएं या अनुभूतियाँ हमारे चेतन स्तर पर आ जाते हैं तो उन्हें हम स्मृति कहते हैं। अतः जो भी अनुभूतियाँ एवं अनुभव हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आते हैं उन्हें हम स्मृति कहते हैं। स्मृति का वास्तव में मानव जीवन की उन्नति में या ये कहें कि प्रोग्रेस में बहुत बड़ा स्थान है। पूर्व अनुभव पूर्व स्मृति के आधार पर ही मनुष्य वास्तव में प्रोग्रेस करता है। ये अनुभव ही हैं जो मानसिक संस्कार के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्तमान चेतना में आ जाते हैं। अतः कुल मिलाकर जो भी जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उनके आधार पर जो भी छाप हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है उसे स्मृति कहा जाता है। और वही स्मृति, या और अधिक सरल शब्दों में कहें तो संचित स्मृति कहा जाता है। और जब यही संचित स्मृति यानी एक्युमुलेटेड मेमोरी जब सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाती है तो ये मेमोरी बन जाती है। इसकी परिभाषाओं के संबंध में डिस्कस करें तो स्टाउट ने कहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। इसी तरह से वुडवर्थ के विचार भी उल्लेखनीय है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यानी मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इज लर्न्ड। मैकडुगल ने भी कहा है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये तत्कालीन अथवा अतीतकालीन अनुभव हैं। विलियम जेम्स ने भी कहा है कि स्मृति चेतना से अलग हो जाने के बाद मन की अतीत दशा का ज्ञान है, अथवा यह एक घटना है या उस तथ्य का ज्ञान है जिसके बारे में हम पहले अनुभव कर चुके हैं, यानी ये अतीत से संबंधित है तथा हमारे मन मस्तिष्क में संचित हो जाती है। मेमोरी इम्प्लाइज इमेजिनिंग ऑफ इवेंट्स एज एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग देम एज बिलोंगिंग टू वंस ओन पास्ट एक्सपीरियंस। इसी तरह से नन की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है कि हमारे अनुभवों को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है तब हम उसे स्मृति कहते हैं, यानी अनुभव संचित होने चाहिए। इसमें इन्होंने ये बात एम्फसाइज की है, तभी वह मेमोरी कही जाएगी। राय बर्न ने भी इस बारे में कहा है कि अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हम में होती है उसी को वास्तव में स्मृति कहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि स्मृति एक मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर चेतना में लाया जाता है। इसके अंतर्गत समस्त सीखी हुई बातें एवं अनुभव की हुई बातें एवं विचार सन्निहित हैं। स्मृति की विशेषताओं के संदर्भ में डिस्कस करें तो अच्छी स्मृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी, तो इसमें शीघ्र याद होना या अधिगम होना। अच्छी स्मृति की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है या लक्षण माना गया है कि बालक जब एक बात को सुन लेता है या एक तथ्य को पढ़ लेता है और उसे याद हो जाता है तो इसे अच्छी स्मृति कहा जाता है, या शीघ्र याद होना ही वास्तव में अधिगम है, ऐसा विद्वानों ने माना है। इसके अतिरिक्त उत्तम धारण शक्ति यानी गुड रिटेंशन, यदि कोई बालक सीखी हुई
बातों को अधिक समय तक स्मरण रखता है तो वास्तव में वह उत्तम धारण शक्ति कहलाती है। अतः स्मरण रखना केवल सीखी हुई वस्तु को धारण करना है और याद रखना, या ये कहें कि याद रखने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति वास्तव में धारणा शक्ति पर ही निर्भर होती है। वुडवर्थ ने कहा है कि धारणा या धारण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रत्येक वस्तु जो सीखी गई है जब तक कि दोबारा सक्रिय ना हो पड़ी रहती है। कहाँ पर रहती है? सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, किंतु जब हम उसे रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, जिसे पुनः स्मरण यानी रिकॉल भी कहा जाता है। इसके पश्चात जो अगली विशेषता है वो शीघ्र पुनः स्मरण है यानी क्विक रिकॉल। अच्छी स्मृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण क्विक रिकॉल भी है कि सीखी हुई विषय वस्तु जितनी जल्दी याद आ जाए उतना ही अच्छा है। और एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी ये उपयोगी माना गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने प्रश्न पत्र है और आपको उत्तर लिखना है, अतः आपने जो भी स्टडी की है और जो भी आपको लिखना है वह याद आ जाए तो इसे शीघ्र पुनः स्मरण कहा जाएगा, जो कि अच्छी स्मृति की विशेषता मानी गई है। इसी तरह से गुड मेमोरी की जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वह शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान है यानी क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्निशन। अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र एवं पुनः याद करना या स्मरण करना आवश्यक है। बालक ने विषय के संबंध में जिन भी बातों को पढ़ा, सीखा, गुना या याद किया एग्जामिनेशंस में, उनसे संबंधित वह जो भी परफॉर्म करता है या लिखता है वह वास्तव में शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान के आधार पर ही संभव है। अतः इसे अच्छी स्मृति की विशेषता कहा गया है। इसी तरह से अनावश्यक बातों को भूलना, फॉरगेटिंग ऑफ मीनिंगलेस थिंग्स, यह भी अच्छी स्मृति की विशेषता है। कहा भी जाता है अनावश्यक अनुभव या अप्रिय अनुभवों को विस्मृत करने में ही भलाई है, और जिसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेमोरी कहा गया है। इसी तरह से स्मृति के प्रकार के संबंध में डिस्कस करें तो इसमें तत्कालिक स्मृति है यानी इमीडिएट मेमोरी, किसी विषय या तथ्य को याद करके तुरंत सुना देना तत्कालिक स्मृति है, किंतु इस प्रकार की स्मृति में विस्मरण की अधिक संभावना बनी रहती है। स्मृति का यानी काइंड्स ऑफ मेमोरी में जो अगला स्टेप है वह स्थायी स्मृति से संबंधित है, परमानेंट मेमोरी। इसमें सीखी हुई बातें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। और सक्रिय स्मृति के संबंध में यदि डिस्कस करें एक्टिव मेमोरी, तो पूर्व अनुभवों को इच्छापूर्वक प्रयास करके पुनः स्मरण करना वास्तव में सक्रिय मेमोरी कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रयास करके अनुभवों के साथ स्मरण करके जब उत्तर लिखते हैं तो वह एक्टिव मेमोरी का ही पार्ट है। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय मेमोरी यानी पैसिव मेमोरी, जब हम पूर्व अनुभवों को अनायास बिना प्रयास के याद करते हैं तो वो वास्तव में निष्क्रिय मेमोरी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड का नाम लेते ही आपके समक्ष उसकी विशेषताएं आ जाना, जैसे उसके कालेपन या उसके श्वेतपन को याद करना। इसके अतिरिक्त यदि किसी फिल्म का नाम लिया जाए उससे संबंधित गीत याद आ जाना, उससे संबंधित आर्टिस्ट याद आ जाना, ये सब भी पैसिव स्मृति का ही पार्ट है। व्यक्तिगत स्मृति के संबंध में डिस्कस करें तो ये स्वयं के अनुभवों से ही संबंधित होती है तथा बाल्यावस्था से जनरली रिलेटेड होती है। अव्यक्तिगत स्मृति, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इम्पर्सनल मेमोरी, स्वयं के अनुभवों के अतिरिक्त अन्य अनुभव याद रहना, देशकाल परिस्थिति विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष इत्यादि के संदर्भ में जो विभिन्न एक्सपीरियंसेस होते हैं वो याद रह जाना वास्तव में अव्यक्तिगत स्मृति का ही प्रकार है। इसी तरह से यांत्रिक स्मृति, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विद्यार्थी जब इसमें रट लेते हैं और रट के किसी चीज़ को बिना समझे याद कर लेते हैं तो वह यांत्रिक स्मृति कही जाती है। वास्तव में यह स्मृति हमेशा सहायक नहीं होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहाड़े यानी टेबल्स को याद करने में ये बहुत अधिक उपयोगी होती है। तार्किक स्मृति यानी लॉजिकल मेमोरी के संदर्भ में डिस्कस करें तो इसे बालक सोच समझ कर सीख कर पढ़ता है, गुनता है एवं उसे समझता है, जिसे हम तार्किक स्मृति कहते हैं। इसे इंटेलेक्चुअल मेमोरी भी कहा जाता है। आदतजन्य स्मृति
यानी हैबिट मेमोरी, यह वह मेमोरी है या आदत है जिसमें व्यक्ति बिना प्रयास के किसी चीज़ को याद करने का आदि हो जाता है, या ये कहें कि जब व्यक्ति किसी बात को बार बार दोहराता है या याद करता है तो वह उसकी आदत जन्य स्मृति कहलाती है, इसमें उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है। इंद्रिय अनुभव स्मृति के संबंध में डिस्कस करें कि सेंस इम्प्रेशन एक्सपीरियंस, तो इसमें व्यक्ति किसी वस्तु, तथ्य, विचार, परिवेश को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है, या ये कहें कि ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के फलस्वरूप पुनः स्मरण करता है। इसमें आँख बंद करके स्पर्श करना, चखना, सूंघना, सुनना इत्यादि इंद्रियजन्य, या ये कहें कि इंद्रिय अनुभव स्मृति के ही प्रकार हैं। जैसे बिना देखे खुशबू को सूंघ कर ये बता देना कि क्या पक रहा है, कौन सा व्यंजन बन रहा है। रोज़ फ्लावर यानी गुलाब के फूल को देखे बिना सिर्फ सूंघ कर ये बता देना कि ये कौन सा पुष्प है, इत्यादि ये सेंस इम्प्रेशन एक्सपीरियंसेस कहे जाते हैं। इसी तरह से फिजिकल मेमोरी के संदर्भ में डिस्कस करें तो जब किसी कार्य को बार बार करने पर फिजिकल लेवल पर उस कार्य को करने की आदत पड़ जाती है तो उसे शारीरिक स्मृति कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाइपिंग करते समय उंगलियों का सही स्थान पर पड़ना, या हारमोनियम बजाते समय सही स्वर निकालना, उंगलियों के माध्यम से सही स्वरों को निकालना, ये सभी वास्तव में फिजिकल मेमोरी के ही प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त वास्तविक स्मृति यानी ट्रू मेमोरी, इसके संबंध में शिक्षाविदों ने कहा है कि वास्तव में यह श्रेष्ठ स्मृति है, क्योंकि इसके माध्यम से विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से याद किया जाता है तथा उसे समझकर पुनः स्मरण किया जा सकता है, अतः इसे बेस्ट मेमोरी कहा गया है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।